शादी करके अच्छी सी नौकरी कर लूंगी और क्या। शादी नौकरी क्यों नहीं हो सकती? अब नहीं मतलब ये सब करने के बाद। सीधा बोला करना, इतने लोगों के साथ सोने के बाद शादी कैसे करेगी? फिल्मों में किताबों में तुम लोग पढ़ते हो, ग्रंथों में लिखा है कि एक वेश्या अपवित्र होती है तो उसे शादी करने का हक नहीं। अक्सर जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और हम इंसानों की भी तो एक आदत है, जो हमें दिखाया जाता है हम उसी को मान लेते हैं। हम लोगों के बारे में अपनी समझ से एक राय बना लेते हैं, पर इसमें तो गलत हमारा नजरिया होता है, उनका तो कोई दोष नहीं। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगा, किसी और के हिसाब से नहीं। तो शायद बदलाव इंसानों में नहीं बल्कि उनके नजरिए में होना चाहिए, लेकिन यह मुमकिन होना शायद थोड़ा मुश्किल है। कौन आ गया इस टाइम? यस निया मैडम। हाँ आप? मैं चांदनी। सॉरी मैंने पहचाना नहीं, कौन? मैडम वो एजेंसी ने भेजा था पर्सनल असिस्टेंट के लिए। ओ अच्छा हाँ दी एजेंसी। हाँ वैसे तुम बड़े ही गलत टाइम पर आई हो, मैं जस्ट अभी एक मीटिंग के लिए निकल रही थी, बट इट्स ओके। थैंक यू मैडम। वैसे मैडम आपने घर पे बुलवाया ऑफिस में नहीं? दैट्स बिकॉज चांदनी मुझे अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट चाहिए ऑफिस के काम के लिए नहीं, सो आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं नहीं नो प्रॉब्लम मैडम। ग्रेट। तो चांदनी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारा मेनली काम क्या होगा हैंडल करना। तुम्हें मेरे मेनली घर का ही काम हैंडल करना होगा, एंड इनिशियली आई विल लेट यू नो माय स्केड्यूल्स, एंड उसके बाद तुम खुद ही कैचअप कर लोगी, एंड कभी कभी बाहर भी जाना पड़ सकता है फॉर आउटस्टेशन ट्रिप्स एंड एवरीथिंग। एंड हाँ वन मोर थिंग, देखो मेरे टाइम का कुछ पता नहीं है, तुम्हें सुबह आना पड़ेगा, बट रात में कभी लेट भी हो सकता है, सो आई होप टाइम इज नॉट एन इश्यू फॉर यू। टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम। ग्रेट। तो चांदनी तुमने पहले कहीं काम किया है? मैं फ्रेशर हूँ मैडम। That's not an issue. वैसे मेरा भी काम कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें पेपर वर्क या कुछ करना पड़ेगा, जस्ट रेगुलर वर्क, अपॉइंटमेंट्स का रिकॉर्ड रखना, और कभी कभी लास्ट मिनट आउट स्टेशन ट्रिप्स होती हैं तो पैकिंग वगैरह करना, एंड आउट स्टेशन के लिए मैं तुम्हें अलग से भी दे दूँगी। और जहाँ तक मेरे घर का सवाल है, यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, और उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि वो अक्सर बाहर ही रहते हैं काम के सिलसिले में या ऑफिस से लेट आते हैं, तो नो इश्यूज मैडम। मुझे पता है आप अपने पति के साथ रहती हैं। तो चांदनी बताओ तुम सैलरी क्या लोगी? मैडम वो तो एजेंसी ने आपको बोला होगा। हाँ बट एजेंसी उसमें अपना कमीशन लेगी ना, तो तुम बताओ तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है। मैडम मैं कैसे बोलूँ? ठीक है मैं अपने हिसाब से दे दूंगी अपार्ट फ्रॉम व्हाट दी एजेंसी इज ऑफरिंग। तो फिर चांदनी अब तुम कब से आ पाओगी? कल से मुझे चलेगा। ठीक तो मैं दोपहर तक घर पर ही होती हूँ, तुम सुबह आ जाना सो दैट आई कैन ब्रीफ यू एंड एवरीथिंग। ठीक है मैडम मैं 9 बजे आ जाऊंगी। चांदनी ये मैम क्या लगा रखा है, कॉल मी नेहा? नहीं नहीं मैडम वो आप मेरी बॉस बनने वाली है तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको मैडम ही बुलाऊंगी। ओके as you wish। और हाँ चांदनी मैं तुमसे तुम्हारा रेज्यूमे लेना ही भूल गई, तुम कल याद से अपना रेज्यूमे, आधार कार्ड का जेरोक्स और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज प्लीज ले आना। वो सब है मैडम मेरे पास। रेज्यूमे और आधार कार्ड तो ठीक है, फोटोज भी लेके घूमती हो? क्या करूँ मैडम कोई भी जरूरत पड़ सकता है, जेरोक्स भी है आप चेक करके जेरोक्स रख लीजिए, आपको पुलिस स्टेशन में जमा करने का होगा। हाँ वो फॉर्मेलिटीज एंड ऑल होता है ना। जी मैडम। और पता नहीं कौन कैसा निकले, ये अच्छा कानून बनाया गवर्नमेंट ने।
चांदनी नेवरेकर। अभिसारिका? जी मैम। हाँ मैडम, वो मेरा असली नाम चांदनी है, अभिसारिका तो ऐसी वो होता है ना, पिंकी मिंकी चिंकी, वैसा वैसे मुझे प्यार से बुलाते हैं। ओके। क्या हुआ मैडम? नहीं कुछ नहीं। तो चांदनी, तुमने 12th तक पढ़ाई की है? हाँ मैडम, आगे पढ़ना था लेकिन छूट गई, अभी जल्दी से शुरू करने वाली हूँ वापस। दैट्स वेरी गुड, आगे पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई काम ही आती है लाइफ में। वो तो सही है मैडम। चांदनी, तुम लाल भाई चौल में रहती हो? हाँ मैडम, क्यों, कुछ प्रॉब्लम है मैडम? नहीं कुछ नहीं। तुम्हारा फोन नंबर होगा ना, वो मुझे दे दीजिए। मैडम वो उसमें है। अच्छा हाँ, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने। चांदनी तुम एक काम करो, तुम कल से मत आना, मैं तुम्हें बता दूंगी फोन करके कब आने। अरे मैडम, लेकिन क्या हो गया अचानक, अभी तो आपने बोला कि कल आने को। अरे नहीं, वो कल से नहीं, मुझे अभी याद आया, हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मैं फिर तुम्हें बता दूंगी जब हम वापस आएंगे। सच्ची मैडम? क्या मतलब है तुम्हारा, मैं झूठ बोलूंगी? नहीं नहीं वैसा नहीं, लेकिन अभी आपने मेरा पता देखा और फिर आने से मना किया, तो मेरे को लगा। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। I'll let you know. कोई बात नहीं मैडम, मेरे को पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। लाल भाई चौल पूरे शहर में मशहूर है, नंदा होता है वहाँ, तो आपका सोचना भी गलत नहीं है। देखो चांदनी, मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी है, अभी वैसे भी थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आते ही होंगे, मैं एक बार उनसे बात करके तुम्हें कॉल कर लूँगी। तुम अभी प्लीज जाओ। देखिए मैडम, आप मेरे को गलत समझ रहे हो, मैं उधर रहती। फिलहाल मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, लेकिन वो मुझे भी लेट हो रहा है अभी मीटिंग के लिए। ठीक है मैडम, लेकिन ये गलत है। एक्सक्यूज मी, क्या गलत है? ये मेरा घर है, नौकरी मैं तुम्हें दे रही हूँ, मर्जी मेरी है, इसीलिए तुम जैसी लड़कियों के मुंह नहीं लगती। मेरी जैसी लड़की मतलब? मतलब तुम अच्छे से जानती। नहीं जानती मैं, आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, चल समझाओ। अरे तुम तो गले ही पड़ गए, गेट द फक आउट, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे ओ मैडम, काम नहीं देना है ना मत दे, लेकिन ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी किसी ने मुझे बुलाया था इसलिए आई थी मैं, ये तो काम की कमी नहीं है मेरे को। ऑफ कोर्स तुम्हें क्यों होगी काम की कमी, बाहर जाते ही मिल जाएगा कोई तुम्हें। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, क्या समझती है रे अपने आप को, तू हूर की परी है। और हाँ, मैं उस चौल में रहती हूँ और मैं भी धंधा करती थी, अभिसारिका नाम है मेरा, मौसी ने रखा है, चकला चलाती है मेरी मौसी। लेकिन आप इस धंधे से बाहर निकलना चाहती हो, थोड़ी अच्छी जिंदगी जीना चाहती हो, लेकिन तुम जैसे बड़े लोगों को ये हजम कहाँ होगा? हाई सोसाइटी में तो हमें घटिया ही समझते हो ना तुम लोग, ऐसी लड़कियों को काम पे क्यों रखे? और साला इसी हाई सोसाइटी के मर्द हमारा बिस्तर गर्म करने में नहीं सोचते। देखो बहुत बोल रही हो तुम। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है मैडम, तेरे को क्या लगता है रे, मेरे को नहीं मालूम तू क्या करती है। एक बात सुन ले, जैसे तुम लोग हमारा बायोडाटा देखते हो ना काम पे रखने से पहले, वैसे ही मैं भी इधर तेरा जन्म कुंडली देखने के बाद ही आई। मेरे को मालूम है कि रात के अंधेरे में तू भी अभिसारिका के नाम से जानी जाती है, और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तेरी जूती और मेरा ये थोबड़ा। मतलब क्या है तुम्हारा, और ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम? देख रहे चमक छल्लो, मेरे को ना तेरे बारे में सब कुछ पता है, तू क्या करती है, किसके साथ करती है, तेरा रेट क्या है, सब कुछ। मैंने क्या सोचा ना, ये धंधा छोड़ के साला अच्छा काम करने जाऊँ तो तेरे से शुरुआत करती हूँ ना, तू कम से कम अच्छे लोगों के साथ उठती बैठती है, और जो एजेंसी में तूने काम के लिए बोला था वो साफ सुथरा था, इसलिए आई मैं। लेकिन मेरे को क्या पता,
मेरे को लगा तू भी धंधे वाली मैं भी धंधे वाली। हाँ हाँ क्लास का फर्क है लेकिन बिरादरी तो एक ही है ना। मेरे को लगा थोड़ी हेल्प करेगी, थोड़ा लाइन पे लाने की। तुम जुबान संभाल के बात करो, तुम्हें पता भी है तुम किससे और क्या बोल रही हो? अच्छे से मालूम है मैडम क्या बोल रही हो और किस चीज को बोल रही हो, वो भी पता है। Shut up and get out of my house. तो बड़ी की रंडी जो मुंह में आए बोल रही है। गुस्सा आ गया? वैसे मैडम दो कौड़ी की हो या 100 कौड़ी की, वैसा तो वैसा ही होती है ना। हाँ फर्क क्लास का है लेकिन तू भी तो वही करती है जो मैं करती हूँ, काम तो नहीं बदल जाता। तू भी जाती हूँ मैं पुलिस को बुलाऊं? जा रही हूँ मैडम, मेरे को कौन सा इधर रहने का है। वैसे जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगी, वो कहते हैं ना कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत होती है। आज तूने ये भी साबित कर दिया कि एक वेश्या की सबसे बड़ी दुश्मन ना एक वेश्या ही होती है, जो तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बात करने की तक तो तमीज है नहीं। सुना कह रही हूँ मैडम, बस दिल में आया बोल रही हूँ। तुम ये सब करती हो क्योंकि तुम एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहती हो ना, प्रमोशन के लिए करती हो, हम मजबूरी में करते हैं। मेरी गलती सिर्फ इतनी है ना कि मैं जीना चाहती हूँ, एक आम लड़की की तरह सपने देखना चाहती हूँ। तुम चाहती हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तू कुछ नहीं कर सकती। क्या है ना, मैं धंधे वाली हूँ लेकिन मेरी फितरत एक लड़की जैसी है, और तू एक लड़की होकर भी तेरी फितरत धंधे वाली है। देखो तुम जाओ यहाँ से और else I'll call the police right now. जा रही हूँ, बोला ना। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं सुधरना चाहती हूँ और इस समाज का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तेरे को पता है मेरी चौल वाली औरतें ना बिल्कुल सही बोलती है, वो मुझे बोलती थी कि तेरा समाज मैं कुछ भी कर लूँ ना मेरे को अपनाएगा नहीं। मैंने सोचा तेरे से शुरू करती हूँ, एक ही धंधे की है, थोड़ा समझ के लेगी। लेकिन जब तेरे जैसी लड़की मुझे नहीं अपना रही है तो बाकी क्या घंटा अपनाएंगे? साला ये समाज सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है कि लड़कियों को इस धंधे से बचाना चाहिए, लेकिन जब कोई लड़की खुद से निकलना चाहती है तो कोई मदद ही नहीं करता है। कुछ तो तुम्हारे हाई सोसाइटी के लोगों को लगता है कि हम यहाँ मजे के लिए आते हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं इसलिए अपनी मर्जी से हम लोग इस धंधे में आते हैं। अरे उनको क्या पता कि हम किस तकलीफ से गुजरते हैं। हर इंसान इस दुनिया में एक ही बार जन्म लेता है और एक ही बार मरता है, लेकिन मेरे जैसी लड़की पैदा तो एक ही बार होती है लेकिन रोज न जाने कितनी बार मरती है। छोड़ो यार, मैं भी किसको बता रही हूँ जो हर चीज समझ के भी अनजान बन रही है। साली बकवास, जाती हूँ। रुको अभी सारे का। कहते हैं सच्चाई बहुत कड़वी होती है, पर सच तो सच ही होता है, उसका कड़वा होना भी तो जायज है। अक्सर कड़वी दवा इंसान के लिए सबसे अच्छी मर्ज होती है, पीनी तो पड़ती ही है। अगर हम पहले से ही सच्चाई को अपना ले तो शायद ये सच कड़वा ना लगे। इंसान जब भी खुद आईना देखता है तो उसे अपने आप में सिर्फ अच्छाई ही दिखती है, पर कोई और जब उसे ये आईना दिखाता है तो वो उसे झेल नहीं पाता, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि कोई और उसे उसका असली चेहरा दिखा रहा है। अभी सारे का तुम भी एक लड़की हो और जैसे तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद रोज किसी अलग आदमी के साथ। जैसे तुम भी इस दुनिया में फंसी हुई हो, मैं भी उसी तरह फंसी हुई हूं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम खुल के बोल सकती हो और मैं नहीं बोल सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अभी भी इसी समाज का हिस्सा हूं। मैंने ये सब कुछ कॉलेज के वक्त शुरू किया। कॉलेज के टाइम पैसा कमाने का एक बहुत ही आसान तरीका लगा और इससे मेरी कॉलेज की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती थी, और सच बताऊँ तो कहीं ना कहीं मज़ा भी बहुत आता था। किसी भी क्लासमेट के साथ सोना वॉज नॉट अ बिग डील फॉर मी, और आजकल तो हर तरह के प्रोटेक्शन मिलते हैं, तो ये सेक्स तो मेरा एक शौक बन गया था। लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि कब ये शौक मेरी आदत बन गया। कॉलेज के बाद जॉब में भी आसानी हो गई, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड है ना बहुत ओपन माइंडेड है, और मैं तो पहले से थी। तो मैंने सोचा कि अगर किसी सीनियर के साथ सोने से प्रमोशन मिल रहा है तो इसमें किसी का क्या नुकसान है। मैंने आगे बढ़ने के लिए सब कुछ किया, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि ये सारी चीज़ें मुझे एक ऐसे मुकाम पर ले आएंगी
जिसमें मैं इतनी बुरी तरह से फंस जाऊंगी और अब मेरा जीने का यही सहारा रह गया। तुम जानती हो जिस दिन मैंने किसी के साथ सोने से इनकार किया ना, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड मुझे बाहर उठाकर फेंकेगा। और वो जायज भी है, कई मेहनती लड़कियों का हक छीना है मैंने, इसीलिए जब तक मेरी इस बॉडी की डिमांड है मुझे इसी दुनिया में रहना। ये बात तो कुछ हजम नहीं हो रही है मैडम, आप इस धंधे से नहीं निकल सकती ये मैं मान नहीं सकती। अगर मेरे जैसी लड़की ये सोच सकती है तो आप तो फिर भी पढ़ी लिखी है, फॉरेन में जाके बस सकती है, सेटल हो सकती है। हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए जो तुम में है, हर किसी में नहीं होती। और अगर हो भी तो वक्त के साथ वो हिम्मत टूट जाती है, इसीलिए आसानी से जिंदगी कट रही है तो चलने दे रही हूँ। तो आपको टेंशन ही क्या है मैडम, सॉलिड पैसा मिलता है एक बार सोने का, ऊपर से आदमी भी हाई क्लास होते हैं, हमारे जैसे थोड़ी है कि रेट फिक्स्ड है और कोई भी मुंह उठा के आ जाता है बेउड़े चरसी, और ऊपर से आप जैसी हाई क्लास आइटम की डिमांड भी सॉलिड है, आपको तो मुंह मांगी कीमत मिलती होगी, और जितना बड़ा आसामी उतनी जीरो ज़्यादा। हाई क्लास आदमी और क्या मैडम, ये गली कूचे के लड़कों की औकात थोड़ी है कि तेरे जैसी आइटम के साथ सोए। ये तुम्हारा नजरिया है अभी सारे का। नजरिया वजरिया मुझे नहीं मालूम मैडम, मेरी तो गरीबी मेरी मजबूरी थी, पैदाइश गरीबी में हुई, जब से समझ में आने लगा तकलीफ ही तकलीफ देखी, काम के तौर पे जो मिला वो करती रही, उसी में रह गई। आपके जैसे थोड़ी अच्छे खानदान में पैदा हुई, मुंह में सोने का चम्मच लेके। कुछ भी बोलो मैडम, औकात का तो फर्क है आप में और मेरे में, आपका धंधा वाइट कॉलर है, फिर चाहे हमारे जैसे किसी का बिस्तर ही क्यों ना गर्म करना हो। मैंने वही तो कहा, सिर्फ देखने और दिखाने का नजरिया है अभी सारे का। हम लोग तुमसे कुछ बहुत अलग नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ तो तुमसे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हें क्या लगता है, ये जो हाई सोसाइटी वाले लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं? अरे बहुत नीच लोग होते हैं ये। और चलो तुम्हारे पास मर्द आते हैं, हमारे पास तो मर्द के साथ साथ नामर्द भी आते हैं, हमें उनके साथ भी सोना पड़ता है, और उनको ऐसा फील भी नहीं होना चाहिए कि वो नामर्द है। चलो नामर्द भी ठीक है, हाई सोसाइटी की औरतें भी कुछ कम नहीं है, जिनको अपने मर्दों में इंटरेस्ट नहीं होता ना वो भी आती हैं हमारे साथ, सीनियर्स की वाइफ्स, सीनियर्स के फ्रेंड्स, हमें उनके साथ भी सोना पड़ता है, फिर चाहे हम लेस्बियंस हो या ना हो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम तुम्हारे यहाँ एक औरत के आने की तो हिम्मत नहीं होती। बताओ तुम्हें अभी लगता है कि हम खुश हैं? हाँ लगता तो यही है, पैसा है, इज्जत है, शादीशुदा हो, अपनी एक जिंदगी है, और क्या चाहिए। हाँ और उसकी माँ का वो जो लड़की वाला झोल बोला ना तूने, तेरे को क्या लगता है रे खाली तेरे साथ होता है? अपने साथ भी हुआ है कई बार, तो ये खाली तेरे लोचे नहीं है समझी ना। अपने आते नहीं है तो क्या, बाहर तो हम भी जाते हैं। पर तुम लोग कम से कम सिक्योर तो हो, तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत करे तो तुम्हारे साथ बहुत लोग है खड़े होने के लिए, तुम्हारे साथ कौन है? है ना मैडम, पैसा, पैसा खड़ा है, पावर है, और वो आपका हस्बैंड वो भी तो है। अभिसारिका जो होता है वो दिखता नहीं है, पैसा, हस्बैंड। शायद किसी के एहसास कराने से दिल के किसी कमरे के उस दरवाजे पर दस्तक होती है जिसे हम खुद खोलना नहीं चाहते, और ना ही किसी और को खोल के अंदर झांकने देना चाहते हैं। पर हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं,
कोई ना कोई किसी ना किसी मोड़ पर टकरा ही जाता है और हमारे सीने को चीर कर दिल में घुस जाता है और उस दरवाजे को खुड़का ही देता है। मैडम, नल्ला है क्या वो? नहीं, नल्ला तो नहीं है और ना ही मेरा पति है, मेरा एजेंट है, मेरा हाई क्लास एजेंट। तुम्हारी सिंपल भाषा में भड़वा कहते हैं ना, मेरे ऑफिस में काम करता है, मेरे साथ लिव इन में है, कहता तो है कि मुझसे प्यार करता है शायद, लेकिन शादी नहीं करेगा। अरे ये क्या बात हुई, प्यार करता है पर शादी नहीं करेगा? मेरे को तो लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है उसकी मर्दानगी में, वरना ऐसी आइटम को कौन छोड़ेगा। अभी सारे का तुमने वो कहानी सुनी है एक आदमी की, जिसके पास एक मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी? बस ये वही आदमी है और फिलहाल उसकी मुर्गी मैं हूं। तुम्हारे पास कोई तो है, कोई तो है जो तुम्हारे बारे में सोचता है, जो तुम्हें इन सब चीजों से निकालना चाहता है। मेरे पास कोई नहीं। एक बात तो सच है अभी सारे का, ये जो आम लड़की होती है ना, तुम्हारे और मेरे जैसी लड़कियों से लाख गुना खुश होती है। इसके पास परिवार है, इज्जत है, और इज्जत है तो कोई डर ही नहीं है। सारी दुनिया तुम्हारे ही कदमों में होती है। आप हर चीज का ना सिर्फ एक ही तरफ देखती हो। फर्क जरूर है पर हर लड़की की जिंदगी में नहीं। आप पेपर नहीं पढ़ती क्या, या टीवी नहीं देखती? रोज न जाने कितनी लड़कियों के रेप होते हैं, और ये रेप करने वाले ना साले उनके घर वालों में से ही कोई हरामी जल्लाद निकलते हैं। पर कितनी लड़कियां इन हरामजादों के खिलाफ खड़ी हो पाती है? हाँ, ये डर ही तो है उस इज्जत के गंवाने का, उस नामी समाज में अपनी नाक को कटवाने का। और पता है मैडम, ऐसे विक्टिम के ना अपने माँ बाप उनका मुंह बंद कर देते हैं बदनामी के डर से। पता है मुझे, अक्सर ऐसे हरामजादे घर के ही अपने लोग होते हैं। हाँ, पर ऐसा कुछ अपने साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक धंधे वाली वैसी ही नंगी होती है। उसके साथ ये सब करने वाला ना हजार बार सोचेगा कि ऐसा कुछ किया तो उसको भी नंगा करके छोड़ेंगे। पर अगर ऐसे लोग नंगे होने से डरते हैं तो क्या आज हमारे शहर में छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे होते? हाँ मैडम, और फिर ये सब ठरकी लोग नहीं होते तो अपनी दुकान भी बंद ही हो जाती। हमें वो नहीं देखना चाहिए जो हम देखना चाहते हैं, बल्कि वो देखना चाहिए जो हमें देखना चाहिए। हो सकता है कि वो हमारे सीने में कांटे की तरह चुभे, हमारा दिल तोड़ दे, पर ठीक है ना, सच कड़वा ही होता है। और जब तक हम इस बात को समझते नहीं, तब तक शायद हम अपना नजरिया बदल नहीं पाएंगे। एक बात पूछूं मैडम, आपने मेरे को काम से क्यों मना किया? मतलब इन सब बातों का मेरे को काम नहीं देने से क्या लेना देना? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है अभी सारे। वो जो मेरा सो कॉल्ड पति है ना। कौन, वो भड़वा? हाँ, वो भड़वा, वो बहुत ही मादरचोद आदमी है। उसे हर लड़की की खबर रहती है, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसके चंगुल में फंस जाओ, क्योंकि उसको तो नए माल की हमेशा ही तलाश रहती। वो लाल बाई चौल की हर प्रोस्टिट्यूट को जानते हैं, और शायद तुम्हें भी जानता हो। तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता था। घंटा मेरा कुछ उखाड़ लेता वो, साले को नंगा करके इसी सोसाइटी से उसकी बारात निकालती। मैं नहीं डरती किसी के बाप से। वो तो दिखता ही है, दिखता है कि तुम कौन हो। लेकिन अगर इन सब चीजों से बाहर निकलना है ना, तो ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा। वैसे नेहा मैडम, सॉरी। सॉरी किस लिए? नहीं, वो मेरे को लगा कि तुम भी बेकार है, तुम बहुत बक गई। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी जगह होती तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करती। और मैडम थैंक यू,
थैंक यू किस लिए? वो आपने मेरे को वो भड़वे से बचाने का सोचा, तो वैसे वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाता था, लेकिन फिर भी आजकल कौन सोचता है ऐसे किसी के बारे में। सच ही है, आखिर एक वैश्या ही वैश्या के काम आती है। वैसे मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लगवा सकती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, अकेली रहती है और इस लाइन की भी नहीं है, बल्कि वो तो एक एनजीओ चलाती है जहाँ पर वो हमारे जैसी लड़कियों को इस दलदल से निकालने में मदद करती है। आपकी फ्रेंड? तो आप क्यों नहीं निकली? आप तो निकल सकती थी ना। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सपने देखने का हक सबको होता है, लेकिन वो सपने पूरे हों ये सबकी किस्मत कहाँ होती है। मैं अब इन सब चीज़ों में इतनी फंस चुकी हूँ कि मैं नहीं निकल सकती। निकलना तो बहुत मुश्किल हो गया। और हाँ, मेरी फ्रेंड को नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ, तभी तो वो मेरी फ्रेंड है। ये लाख रुपए की बात की आपने। अच्छा नहीं मैडम, मैं चलती हूँ। कभी मिलना हो तो आ जाना, अच्छा लगा तुम्हारे साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके पास मेरा नंबर है ना, वो भड़वा घर पे नहीं होगा तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। ओके मैडम, बाय। अभिसारिका, जितना खूबसूरत ये नाम है उतनी ही खूबसूरत वो खुद भी है। मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा, उसके दिल की बात कर रहा। चेहरा अक्सर छलावा होता है, असलियत तो वो है जो उस चेहरे के पीछे छुपी है। और शायद हमारी औकात भी नहीं कि हम इस दुनिया को ज़िंदगी देने वाली को समझ पाए। हम अपने आप के अंदर के जानवर पर काबू कर लें वही बहुत है। पता नहीं हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि नवरात्रि में या दुर्गा पूजा के समय जो माँ की मूर्ति बनती है उसमें वैश्या के घर या कोठे की मिट्टी मिलानी पड़ती है गंगा जल के साथ, वरना मूर्ति को अधूरा माना जाता है। देखा जाए तो चाहे पैसा कमाने के खातिर ही क्यों ना हो, ये लोग अपना शरीर बेचकर हमारे घरों की औरतों की रक्षा करती है। हमें तो इनका शुक्रिया करना चाहिए।